अब बात देवास की, जहां बीजेपी प्रत्याशी गायत्री राजे पवार के समर्थन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार किया और इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस को बिना इंजन की सरकार बताया और कहा कि वो कहते हैं हमारी मोहब्बत की दुकान है, तो याद रखना उनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान भी है। तो आपके पास दो चारे हैं, एक तरफ आपके पास है शून्य की कांग्रेस की सरकार, एक तरफ आपके पास है शून्य की कांग्रेस की सरकार और दूसरे तरफ आपके पास है पुण्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक तरफ शून्य की सरकार और दूसरे तरफ पुण्य की सरकार। एक तरफ आपके पास है डबल इंजन की सरकार और दूसरे तरफ आपके पास है बिना इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में निवाड़ी पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी पहले ही तय कर चुके हैं कि एमपी में कांग्रेस नहीं आ रही है, इसलिए वे सब छोड़कर केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। चुनाव से पहले राहुल गांधी एमपी में नहीं है, इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। कांग्रेस देश की समस्या तो बीजेपी समाधान। सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें आज समस्या नहीं समाधान चाहिए, यह समाधान सिर्फ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ही दे सकती है। ये है डबल इंजन सरकार के कार्य, जो बोलती नहीं है करके दिखाती है, बोलती कम है करती ज्यादा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आए हैं, हमें समस्या नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। समाधान समाधान इस जनता जनार्दन की समस्या का समाधान, और ये समाधान तो केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार ही दे पाएगी। आप सहमत है ना? आपको क्या चाहिए, समस्या चाहिए या समाधान चाहिए? मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है अपनी, तो वहीं हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी प्रचार करने के लिए इंदौर पहुंचे थे। जो पिछले कल से हमने यहां पर माहौल देखा, कैंपेन जिस प्रकार से चली है, आज भी प्रधानमंत्री जी की 3 सभाएं हैं और बहुत बड़े जोरदार ढंग से तैयारियां चल रही हैं, बहुत उत्साह के साथ लोग जो है कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ 18 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पूरा किया है और प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पार्टी अलग अलग तरीके अपना रही है। नर्मदापुरम में बीजेपी ने भी प्रचार में अनोखा तरीका अपनाया, जहां केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति नौका रैली में शामिल होकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करती हुई नजर आए। बीजेपी की मछुआरा प्रकोष्ठ की तरफ से इसका आयोजन किया गया था। बीजेपी की नौका रैली ब्रांदा भान घाट से शुरू होकर विभिन्न घाटों से होते हुए सेठानी घाट पर खत्म हुई। नौका रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोगों को संबोधित भी किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है, वो 96 साल के हो गए हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बैतूल से बड़ी खबर है, 4 बागी नेताओं पर बीजेपी ने एक्शन लिया है। प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए बागी बीजेपी के नेता निष्कासित कर दिए गए हैं। भैंसदेही से राहुल चौहान निकाले गए। मुल्ताई विधानसभा के 3 नेता भी इसमें शामिल हैं, रमेश गवहाड़े, उर्मिला गवहाड़े और सुरेंद्र गवहाड़े इसमें शामिल हैं। राहुल चौहान भैंसदेही से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर एक्शन हुआ।
देश के हुनर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और शिल्पकारों को उनकी कलाकृतियों का बेहतर बाजार मुहैया कराने के लिए रिलायंस ने अपस्केल लग्जरी स्टोर स्वदेश लॉन्च किया। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने स्वदेश के पहले फ्लैगशिप स्टोर का हैदराबाद में उद्घाटन किया और इस स्टोर में अपस्केल एथनिक हस्तशिल्प, मूर्ति, फ्यूजन क्लॉथ, घरेलू डेकोरेशन, पेंटिंग्स और कारपेट जैसे बेहतरीन आइटम एक जगह पर मुहैया होंगे, उपलब्ध होंगे। स्वदेश स्टोर देश के महानगरों के अलावा अमेरिका, यूरोप के कई देशों में भी खोले जाने की योजना है। स्वदेश स्टोर के आर्टिफैक्ट्स रिलायंस के ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी मुहैया होंगे। इंडिया has such a rich history of culture and heritage. We are home to more than 4,000 different kinds of arts and crafts and more than 70 lakh artisans. Nowhere in the world there is this kind of diversity. So Swadesh is actually a humble tribute to all these artisans of India. They are really the pride of our country. And I think the Swadesh store in Hyderabad is our first flagship store. And we are so delighted to start our journey from Hyderabad. We plan to take Swadesh not only across India, but with God's blessings to the US and Europe. बहुत अच्छा लगा स्वदेश में आके। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट नीता अंबानी जी जिन्होंने आज यहाँ पे स्वदेश खुलवाया है, और ऐसी चीज़ें चाहिए इंडिया में, क्योंकि हमें लोकल चीज़ें भी चाहिए, लोकल आर्टिस्ट की चीज़ें चाहिए जो और आगे आ सके और लोग खरीद सके। इतने अच्छे अंदर मूर्ति हैं, दुपट्टे हैं, कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, तो मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आई होप फ्यूचर में मैं आऊँ इधर और काफ़ी चीज़ें खरीद सकूँ। इनफैक्ट मम्मी ने आज यहाँ पे दुपट्टा भी खरीदा जो बहुत सुंदर था। तो आई कैन ओनली विश स्वदेश ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप फ्यूचर में ऐसे और भी स्टोर्स इंडिया में खुले। मुझे बहुत खुशी होती है स्वदेश हैदराबाद में फ्लैगशिप स्टोर इट हैज ओपन एंड आई जस्ट वांट टू विश नीता भाभी ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस फर्स्ट फ्लैगशिप इन हैदराबाद। इट्स एन ऑनर फॉर अस एंड इट्स ट्रूली आवर प्लेजर टू हैव। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने श्रद्धांजलि सभा का उद्घाटन किया। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने किया था, जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद थे। 7 नवंबर 1966 को गौ रक्षा आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले गौ भक्तों और संतों और गौ माता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज हम लोगों ने दिल्ली में उन तमाम लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, साथ ही कांग्रेस के सनातन विरोधी चेहरे पर चर्चा की है और यह प्रतिज्ञा ली है कि किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को देश में उभरने नहीं दिया जाएगा। अपील देश की जनता से किया है कि 2024 में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाइए, ताकि सनातन धर्म का ध्वज और देश की संस्कृति और मजबूत हो सके। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।